नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आनंद यात्रा पर। मैं हूं आशीष और हम आज जा रहे हैं, आज की यात्रा है खीर गंगा ट्रैक कसोल तक, और रास्ता अननोन है, अनप्लैंड जर्नी है। दोस्तों हमें भी नहीं पता था ये जर्नी किस तरह हमने प्लान की, सडन प्लान, सडन बैक पैक किया और हम लोग चल पड़े। मैं, मेरा दोस्त रोहित और सुंदर राजू, वी ऑल वेंट ऑन फॉर जर्नी और हम साथ निकले। From the Kashmiri gate, we took a bus to that Mandi. From Mandi, we went to Bhuntar. From Bhuntur, we went to Kasol. From Kasol to Manikaran, and from Manikaran to Khir Ganga. रास्ता दोस्तों देख सकते हैं आप, फास्ट फॉरवर्ड वे में मैंने आप सभी को सब कुछ दिखाने का प्रयास किया है जो आप देख सकते हो। सुंदर रास्ता, सुंदर नज़ारा, एकदम आपको मन प्रदर्शित करने वाला और आनंदित कर देने वाला रास्ता। दोस्तों जर्नीज हमेशा आपको अपने अंतर कनेक्शन के साथ जोड़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जर्नीज आपके प्यूरिफिकेशन में और जो भी आपके अंदर होता है उसको आउट लाने में मदद करती हैं। तो दोस्तों जर्नीज आर ऑलवेज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, और जो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ भी एक जर्नी है और वी ऑल आर ऑन अ जर्नी। जर्नीज आर देयर टू अचीव समथिंग, to explore the experiences of the life, to explore the depth and dimension of this world. This world is a beautiful place to explore and to live and to meet with new places, new people, and to explore the different dimensions of the life. With the spirituality, Guru Manikaran is a beautiful place, Tirth Sthan hai Sikho ka. तत्पश्चात फिर हम लोग निकले ट्रैक के लिए, जो कि 12 किलोमीटर का एवरेज डिफिकल्टी का ट्रैक है और हम सब ने ट्रैक किया। बहुत ही सुंदर लोग हिमाचल के, मैं क्या बताऊं दोस्तों आपको, मैं बता नहीं सकता इतने सुंदर लोग। अलग अलग अनुभव रास्ते के दौरान कि एप्पल किस तरह क्रिएट किया जाता है, कितनी मेहनत लगती है उस एप्पल को क्रिएट करने में। दोस्तों ये अद्भुत नज़ारा था और ये जर्नी जो थी हमें बहुत कुछ सिखाने वाली। खीर गंगा ट्रैक की प्राचीन कथा को हमने समझा, कैसे खीर गंगा तीर्थ स्थान है ये, जो कसोल जो आपकी जगह है, खीर गंगा ट्रैक एक शिव और पार्वती का स्थान हुआ है। यहाँ पर कार्तिक स्वामी ने कई सालों साल यहाँ तपस्या की। तो दोस्तों स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुंदर नज़ारा, नेचर अपने प्योर पावर में। सामने देख सकते हैं पार्वती वैली, और हम लोग ये बरसानी डैम से शुरुआत करते हुए एप्पल्स देखें दोस्तों, कितना बेहतरीन सुंदर सिर्फ नेचर। आप यहाँ एक हफ्ते तक जरूर आएँ और यू कैन स्पेंड द टाइम हियर, इट विल हील यू फ्रॉम द इनसाइड विद इन, एंड इट्स सच अ वंडरफुल मिरेकुलस एक्सपीरियंस। देख सकते हैं दोस्तों सामने कितने सुंदर सुंदर झरने पूरे ट्रैक के दौरान, और पार्वती वैली अपने स्थान से चलती हुई मणिकरण साहब में, बहुत सुंदर पार्वती वैली अपने पावर के साथ मूव करती हुई, और ये हमारे मित्र दोनों इंजॉय करते हुए और एक दूसरे से यहाँ की कथा के बारे में बात करते हुए। पार्वती वैली देख सकते हैं, सुंदरता के साथ भरा हुआ हिमाचल। हिमाचल को देव भूमि भी दोस्तों कहा जाता है, देवों की भूमि है। यहाँ पर काफ़ी संत महात्माओं ने तपस्या की, तप किया और इस भूमि को पावन बनाया। दोस्तों शांति से भरपूर ये भूमि इतने स्पंदनों से भरी हुई है, और शक्तिशाली जगह, एक शक्तिशाली जो आपको शक्ति से भर दे, और आप भी देख पाएंगे कि नेचर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में किस तरह मौजूद रह सकता है। दोस्तों मैं उत्तराखंड कई बार गया हूँ, लेकिन उत्तराखंड का एक अपना अलग ही वैल्यू है। बाकी हिमाचल ये मेरा पहला ट्रैक था, यहाँ पे हम लोग रुके खीर गंगा ट्रैक में। इतने सुंदर लोग, नए कनेक्शंस, नए दोस्त, नए शेयरिंग के साथ हमने इन सुंदर महान पहाड़ों को देखा और झुकना सीखा हमने कि जीवन हमें किस तरह से कहाँ तक लेकर जा सकता है। योग का अभ्यास भी किया साथ के साथ, अपने बॉडी माइंड को बैलेंस करके, हाउ वी कैन एक्सप्लोर आर ट्रू नेचर। दिस जर्नी वॉज रियली एन एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। सो यू कैन कम एट दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, ये बहुत सुंदर ट्रैक है आपका, अराउंड 13 से 14 किलोमीटर का ट्रैक है। इट्स अ मीडियम लेवल ट्रैक एंड यू विल हैव ब्यूटीफुल वैलीज हियर, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, ब्यूटीफुल प्लेसेस आर देयर। यू कैन सी सो मैनी डॉग्स आर गोइंग टू सपोर्ट यू एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस, सो यू कैन डेफिनेटली कम टू दिस प्लेस विद योर फ्रेंड्स फैमिली, बट विद प्री प्रैक्टिस टू इन्जॉय दिस ब्यूटीफुल प्लेस।
लाइक शेयर एंड कमेंट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु वांट टू एक्सप्लोर सच ब्यूटीफुल प्लेसेस थैंक यू दोस्तों। हम लोगों ने खीरगंगा ट्रैक कम्प्लीट किया, यहीं से शुरुआत की थी। ये बैतनावली डैम है और यहीं पे आकर से बस लिया और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। एक के साथ आके आप मिल सकते हैं। मैं जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ये 12 से 13 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि आप आसानी से 4 घंटे के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो और उतरते से आपको नियर बाय हाफ टाइम लगता है। क्लियर, तो आप प्रॉपर ट्रैकिंग शूज लेकर आएँ, प्रॉपर स्टिक लेकर जाएँ प्रिपरेशन के साथ। बीच में खाने के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है, साथ में आप लेकर जरूर जाएँ। और फ्रेंड के साथ जाएंगे तो एक बहुत ही सुंदर ट्रैक है हिमाचल में कसोल में स्थित खीर गंगा ट्रैक, जो कि आपका पार्वती वैली के नियर बाय पता हुआ है। तो फिर मिलेंगे हम लोग आपसे एक नए वीडियो में और कुछ नई इन्फॉर्मेशन नए एक्सपीरियंसेस के साथ। मैं आपको और कुछ बताऊँगा।